the night. संडे को ही ना नहीं जी और कुछ कोई बात नहीं, कल भी ले लेंगे ना, परसों तक कंप्लीट हो जाएगा भाई। वो हमने सर्कल कर लिया था, 11th चैप्टर चल रहा है ना तुम्हारा, सर्कल हो गया था, आज पैराबोला होगा, आज पैराबोला खत्म हो जाएगा ऐसे, बाकी सब तो हो ही चुका। एक्सरसाइज 11.2 ठीक है जी। आज हम करेंगे पैराबोला। अब पैराबोला की शेप कैसे आती है, जैसे ये कोन है, इसको अगर इंक्लाइन टू द बेस काटो ऐसे, तो जो फिगर अराइज होगी उसे बोलेंगे पैराबोला, ठीक है जी। इसे नोट कवर में लिखवाता हूँ क्या मतलब है। तो व्हेन अ कोन इज कट बाय अ प्लेन इंक्लाइन व्हेन अ कोन इज कट बाय अ प्लेन किसी ऐसे प्लेन से काटेंगे ना, जैसे इस पेज से या प्लेन से किसी भी से काटेंगे, कट बाय अ प्लेन की लगा इंक्लाइंड टू द बेस, यानी ऐसे तिरछा काटेंगे इंक्लाइंड करते हुए बेस से। द फिगर अराइज इज नोन एज पैराबोला, द फिगर अराइज इज नोन एज पैराबोला, ठीक है। देखो जो पैराबोला चार टाइप के होते हैं, जैसे ये पहला पैराबोला बात करते हैं, जैसे ये पैराबोला, ठीक है जी, इट इज पहला है पैराबोला है, इसी से सब कुछ हम बताएंगे आपको, फिर सारी चीजें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, ये इसकी इक्वेशन, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हर चीज की अपनी एक इक्वेशन होती है, तो उसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। जैसे कि ये है फोकस, फोकस ए जीरो, फोकस का मतलब होता है अगर हम यहां पर बैठे हैं और पूरे पैराबोला को निहारें, हर चीज हमें प्रॉपरली नजर आएगी, दैट इज कॉल्ड फोकस, ठीक है। अगर ये ए जीरो है, बीच में मिरर है, तो यहां पर क्या आएगा, माइनस ए जीरो, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, लाइन की इक्वेशन हो जाएगी एक्स प्लस इज इक्वल टू जीरो। एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, कोई पॉइंट ले ले हम पैराबोला पे, उसका इससे जो डिस्टेंस निकाले या फिर इसकी जो इमेज आ रही है इससे डिस्टेंस निकाले, इसे डायरेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, यानी पीएफ पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू पीए डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, फ्रॉम द डायरेक्ट, ये बराबर होते हैं। जैसे ध्यान से देखो, अगर पीएफ का डिस्टेंस निकालोगे क्या निकलेगा, x माइनस जीरो का होल स्क्वायर, सॉरी x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस जीरो का होल स्क्वायर, पी ए का डिस्टेंस निकालोगे, ये पॉइंट क्या है, माइनस ए जीरो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो, ये बराबर होते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, एक
ये हमेशा बराबर होते हैं, ये होता है ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये आ गया 4ax। माइनस जीरो होल स्क्वायर वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर एक्स प्लस बराबर होते हैं। लो जी ये बच्चा आपका 4ax इज इक्वल टू जीरो। तो ये सिचुएशन हमेशा ध्यान रखनी है, पीएफ यानी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बिटवीन पॉइंट ऑन पैराबोला एंड फोकस। पीए इज सॉरी इसमें ना गलती होगी, मैंने वो पीए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। आराम से देखेंगे इसको, पीए एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, पीए क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पीएफ तो नॉर्मली वैसे ही निकल जाएगा, ठीक है ना, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर। पीएफ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान से देखो लाइन क्या है हमारी एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पीएफ हो गया आपका एक्स प्लस, सो ये आ गया पी ए, सो ये आया है पी ए। एज पर द सिचुएशन पी एफ मस्ट बी इक्वल टू पी ए, ठीक है। पी एफ आया आपका एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का एक्स स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो ये हो गया आपका एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस ए का x square plus a square minus 2ax plus x square plus a square plus 2ax, x square से x square कट गया, a square से a square कट गया, 2ax वहां जाके क्या हो गया 4x बन गया पैराबोला, y square equal to 4x। वो मेरे को तभी ध्यान है कि बनता है, तो पैराबोला तो बना नहीं, अब बना। PF is simply distance between the point and focus and PA is the perpendicular distance from the point to the directrix, ठीक है जी। तो ये पैराबोला की इक्वेशन आ गई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब आराम से देखो क्या क्या चीजें हैं, जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है आपकी इक्वेशन, हमें क्या क्या चीजें पता है उसकी, फोकस, फोकस को फोकाई भी बोलते हैं, सिंपली a जीरो, इसके अपोजिट डायरेक्ट्रिक्स हमेशा अपोजिट होगा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दैट इज x plus a is equal to 0, क्योंकि x is equal to minus x plus a is equal to 0. Number 3, vertices. Vertices जहां से वो घूमता है, घूमा ये यहां से, ठीक है, vertices है 0, 0. Number 4, length of lattice rectum. अब lattice rectum क्या होती है, a line which is passes through focus, a line which is passes through, इसकी लेंथ होती है 4a। ये चीजें पता होना बहुत जरूरी, क्योंकि 12th में एक चैप्टर आता है एरिया, वहां पे ये चीजें दोबारा से रिपीट करती है। ये मैंने पहले पैराबोला के बारे में आपको बताया, इसको नोट करो फिर बाकी तीन के बारे में बताता हूं।
नहीं, हाँ पी एफ इज इक्वल टू पी ए, पी एफ इज इक्वल टू पी ए, ये तो लिखना ही लिखना, तभी तो सिचुएशन पैराबोला राइज होगा, ठीक है ना। का होल स्क्वायर अंदर लगा दिया, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, नहीं तो स्क्वायर खुलेगा कैसे। सारे चारों के चारों पैराबोला आप कैसे समझाऊंगा कि दिमाग में सेट हो जाएंगे आप। जैसे कि पहला पैराबोला बताया गया आपको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए, ध्यान से देखो इसमें एक्स क्या है, लीनियर है, जो वेरिएबल लीनियर है उसी एक्सिस पे होता है, ठीक है। अभी अभी हम ये तो कर चुके हैं, खैर एक बार फिर इसकी सारी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि बाकियों की एक्सप्लेनेशन समझने में इजी हो। यहाँ आ गई डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ के आ गई डायरेक्ट्रिक्स, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, यानी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। इसका फोकाई क्या हुआ, या फोकस एक ही बात है, ए जीरो, वर्टिसेस जहाँ से ये घूमता है जीरो जीरो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू माइनस ए, यानी x फोकस का रिवर्स होगी ना, फोकस अगर a है तो ये माइनस ए होगी, अगर वो माइनस है तो ये a। लेंथ ऑफ लैटर सेक्शन एल एल आर, लेंथ ऑफ लैटर सेक्शन दैट इज फोर, लैटर सेक्शन क्या, एक लाइन जो फोकस से गुजरती है, ये हो गया पहला। सेकंड, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए, यानी कि जो पैराबोला है वो x के नेगेटिव एक्सिस पे, ये फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ आ गई ए जीरो, ठीक है जी। फोकाई फोकस, फोकस हो गया माइनस ए जीरो, वर्टिसेस यानी जहां से घूम रहा है जीरो जीरो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स यहां आ गया, फोकस का रिवर्स, ये एक्स पे ना, एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, लेंथ ऑफ लैटर सेक्टर हमेशा सेम रहेगा फोर, लेंथ ऑफ लैटर सेक्टर हमेशा क्या रहेगा फोर, ठीक है। अ लाइन विच इज पासिस थ्रू फोकस, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव होती ही नहीं है, ठीक है। थर्ड पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई, इस बार ये कहां पर आएगा, वाई एक्सिस पे। टेक्निक होती है, इतना मुश्किल कुछ नहीं है, ध्यान रखो फोकस भी किस पे होगा, वाई एक्सिस पे ही होगा, जीरो ए, फोकस क्या हो गया जीरो ए, लो जी फोकाई जीरो, वर्टिसेस जीरो जीरो, डायरेक्ट्रिक्स इसकी यहां आएगी जीरो एंड माइनस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स।
फोकस का रिवर्स, y इज इक्वल टू माइनस है, वाई प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, बट एल एल आर इज सेम इन ईच एंड एवरी कंडीशन दैट इज 4a। यानी ध्यान से देखो, अगर इसको सबको कंप्लीट करना, आपको a पता होना चाहिए, a फिट करते जाएंगे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा। अब ऑब्वियस है फोर्थ अपने आप दिमाग काम करेगा, चार एक्सिस के बना लिए आपने, इसके अलावा तो कुछ बन ही नहीं सकता, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 वो यहां ऐसे बने, ठीक है जी, 0 एंड माइनस, फोकस हो गया 0 एंड माइनस, डायरेक्ट एक्स उल्टी आ जाएगी, रिवर्स आ जाएगी उसकी, 0 एंड नंबर 1 ऑफ पी, 0 एंड माइनस, वर्टिसेस जहां से घूमता है, वर्टिसेस आ गए 0 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स जो होता है फोकस का रिवर्स, यहां अगर माइनस है तो ये होगा ए किस एक्सिस पे, वाई पे, तो क्या हो गया वाई, वाई माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। नंबर 4 एल एल आर, एल एल आर का मतलब होता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, दैट इज 4, दैट इज 4। वर्टिसेस, वर्टिसेस जहां से घूमता है, ठीक है ना, वर्टिसेस हमेशा ही वर्टिसेस लिखा है मैंने, ठीक है, वर्टिसेस वर्टिसेस छुट्टी जाना है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन अगर आता है,
उसको कैसे, जैसे पहले 5-6 क्वेश्चन है, इसमें जब सारी चीजें फाइंड करनी है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्स एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम। क्वेश्चन नंबर 1, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। ठीक है जी, अब इसको किससे कंपेयर कर सकते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाले, यानी 4a इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 3। अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो फोकाई होती है a 0, ठीक है, वर्टिसेस 0 0, और नंबर 3 इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, दैट इज व्हाट x इज इक्वल टू माइनस a, यानी x प्लस a इज इक्वल टू 0। फोर्थ, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम 4a, देयरफोर y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x का क्या हो जाएगा, ओकी हो गया 3 0, वर्टिसेस हो गया 0 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x प्लस a इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम 4a, यानी 4 × 3 कितना आ गया, ठीक है। एक और दे रखा है पांचवा, क्वेश्चन नंबर 5, y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x। सबसे पहले कंपेयर करो, फाइव बाय टू, फिर वही लिखेंगे y स्क्वायर इज 4ax है तो फोकाई क्या होता है जी, a 0, वर्टिसेस क्या होते हैं 0 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स रिवर्स ऑफ फोकस, जितना लिखोगे उतना इजी हो जाएगा, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम 4, देयरफोर अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x दिया हुआ है तो फोकाई क्या हो जाएगी इसमें 5 बाय टू 0, ठीक है, वर्टिसेस 0 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -5/2, यानी x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0। नंबर 4, एल एल आर यानी 4a, दैट इज 10। एक और देखते हैं y वाला, तीसरा, ठीक है, नहीं y स्क्वायर इज एक ही देगा ना इसमें, -8x, ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, 4a इज इक्वल टू 8, a आ गया 2, ठीक है। इधर देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है तो सिचुएशन के हिसाब से फोकी क्या होता है, -a 0, वर्टिसेस क्या होते हैं 0 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू a, x माइनस a इज इक्वल टू 0। फोर्थ, एल एल आर लेंथ ऑफ लेटर सेक्ट, देयर फोर y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, ओकी क्या हो गई -2 0, वर्टिसेस 0 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x माइनस a इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 2 इज इक्वल टू, एल एल आर तो हमेशा वही रहेगी 4a, a आपका है 2, दैट इज व्हाट 8, दैट इज व्हाट 8।
ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन का चांस ज्यादा रहता है, वो सब कुछ आ जाता है ना कवर अप हो जाता है। इससे क्या लो, ध्यान भी रखना पड़ता है ना चीजों को, वो समझ के करोगे तो बहुत आसान है। जब मैंने तीन करा दिए, तीन चार मैं दे देता हूँ कर लो, कवर अप हो जाएगा ना सब कुछ। सबसे इंपॉर्टेंट होती है तुम सेल्फ रिवीजन कितना करते हो और प्रैक्टिस कितनी करते हो, टीचर तो एक बार अच्छे से सिखा सकता है बस, ठीक है ना। नॉर्मली बच्चे ना सीरियस नहीं होते इसके अंदर 11th में, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है अपने आप। जैसे इसके लिख लो पांच छह क्वेश्चन लिख लो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x तो हो गया सर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -6x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -14x। इसको कर लोगे तो तुम्हें चीजें ध्यान रहेंगी, रोटेट हो जाएंगी सर। अभी हमने वाई स्क्वायर वाले करें, एक्स स्क्वायर वाले कर लेते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, 4 करेंगे, 2 ठीक है ना, 2 देन 4 देन 6। लो 2 में देखो क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, पहचानो किससे कंपेयर हो सकता है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, 4ay, 4a इज इक्वल टू 6, 6 by 4 यानी कितना हो गया 3y। लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर 4ay है तो फोकस क्या होता है, आप सोच रहे हो कि ये किस पे है, वाई एक्सिस पे, थोड़ा फिगर से सोच के करोगे बहुत आसान लगेगा। फोकी क्या हो गया, 0 and a, वर्टिसेस जहां से घूम रहा है, 0 0, डायरेक्ट्रिक्स इसके नीचे आएगी, 0 and -, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, y इज इक्वल टू -a, y प्लस a इज इक्वल टू, ठीक है जी। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बाद आता है आपका LLR, लेंथ ऑफ लैटिस सेक्शन, दैट इज 4, देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, फोकी हो गया 0 3 by 2, वर्टिसेस 0 0, y प्लस 3 by 2 इज इक्वल टू 4a, दैट इज 6। 2 के बाद देख लो 4, क्या दिया 4 में उसने, x स्क्वायर इज इक्वल टू, पहला एम ढूंढो a, -4ay, 4a इज इक्वल टू 4 16, तो a क्या आ गया 4, माइनस वाला है, माइनस वाला है यानी नीचे की तरफ है, फोकस यहाँ आएगा 0 and -, और वो आएगी आपकी डायरेक्ट्रिक्स आएगी रिवर्स ऑफ फोकस, ठीक है। आराम से पहले लिखेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, तो फोकी होती है फोकस 0 a, वर्टिसेस 0 0, नंबर 3 इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फोकी तो इसमें माइनस थी ना, वाई इज इक्वल टू ए, वाई माइनस ए, नंबर 4 LLR, लेंथ ऑफ लैटिस, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y, 0 -4, 0 0,
इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y माइनस फोर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 16। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दिया उसने, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9। अगर x square is equal to minus 4ay है, तो 4 का ही आ गया 0 and minus, vertices आ गया 0, 0. Number 3, equation of directrix y is equal to इसका रिवर्स a, नंबर LL 0 माइनस 0 0 9। ठीक है जी, होमवर्क में लिख लो क्वेश्चन इसके, x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, x स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4y, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6y। अब देखो 7, देखो क्या कहता है क्वेश्चन 7। कहता फोकस इज 60 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू माइनस 6। फोकस इज 60, डायरेक्ट्रिक्स इज माइनस 60। ये बताया x इज इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, देयर फोर ए इज इक्वल टू, क्योंकि प्रॉपर डायरेक्ट्रिक्स वही है, a इज इक्वल टू 6। इसमें पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, बस a को पुट कर दो यहां पर, यानी पैराबोला क्या बनेगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 24x। एट्थ में आ जाओ, एट्थ में कहता है फोकस क्या दे रखा है, 0 एंड माइनस, यानी नीचे की तरफ है फोकस, 0 एंड माइनस 3, डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 लिखेंगे, a तो इसमें कितना हो जाएगा आपका 3, चाहे आप माइनस मान, क्योंकि आपको माइनस में आंसर रिप्रेजेंट करना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए, क्योंकि प्रॉपर है सब कुछ, कोई घबराने वाली बात नहीं। माइनस फोर ए को रखा थ्री, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व एक्स, ये पैराबोला बनेगा, ठीक है ना। जैसे कि अगला देखो नाइन, वर्टेक्स जीरो जीरो एंड फोकस कितना दिया हुआ, ध्यान से देखो थ्री जीरो, वर्टेक्स जीरो जीरो यानी जीरो जीरो से घूम रहा है, फोकस कितना है थ्री जीरो। अगर वर्टेक्स से गुजरता है ना तो डायरेक्ट्रिक्स भी क्या आती है, एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, पॉइंट क्या बन जाता है माइनस थ्री जीरो, ठीक है। सो ए इसमें भी क्या है थ्री। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, ए को पुट करूंगा थ्री, दैट इज अगेन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेल्व एक्स। ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर नाइन, ठीक है। बस सिचुएशन देखिए किसके में फिट होती है, फिट करती है उसको। टेंथ में आ जाओ, क्या बताया उसने, वर्टेक्स जीरो जीरो एंड फोकस क्या बताया माइनस टू जीरो, वर्टेक्स से गुजरता है ठीक है माइनस टू जीरो, डायरेक्ट्रिक्स बिल्कुल उतने पर ही होती है टू जीरो। अगर वर्टेक्स, हाँ वर्टेक्स से आगे पीछे गुजरेगा ना फिर डायरेक्ट्रिक्स चेंज हो जाएगी, फिर डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। तो लिखेंगे ए इज इक्वल टू टू, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए, माइनस फोर पुट किया इसको, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एट एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, उसकी फिगर को बचाना किस फिगर में फिट होता है, क्या पैराबोला ठीक है जी। अगला पढ़ो, दो क्वेश्चन बचते हैं, देखो पैराबोला फिनिश हो जाता है। किसी भी पैराबोला को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, ए के बारे में पता होना चाहिए, किसके बारे में पता होना चाहिए ए के। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है वर्टेक्स 00 एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। अब दो अक्ष होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, कुछ ना दियो तो पॉजिटिव मानते हैं, कुछ ना दियो तो क्या मानते हैं पॉजिटिव। 00 एंड क्या बोला है पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू मतलब उसको टच करता हुआ जाता है। अभी 23 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 23 तो किसमें आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। सो पैराबोला इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, अगर ये पॉइंट यहां पर लाई करता तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा। थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा नाइन एट ए, एक्स की हमने क्या रखा टू, ठीक है ए क्या आ गया नाइन बाय एट,
सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, हमारी रिक्वायरमेंट किसकी होती है ए की, तो पैराबोला कंप्लीट होकर क्या बन गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2x, ठीक है ना। अगला देखो वर्टेक्स 0 0 सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, कुछ ना दिया हो तो पॉजिटिव में होता है, कुछ ना दिया हो तो किसमें होता है पॉजिटिव, वर्टेक्स इज 0 0 घूमता कहां से है 0 0, अगर ये ना बताया ना तो क्वेश्चन बहुत लंबे चौड़े हो जाएंगे, फिर तो उनकी सिचुएशन भी बदल जाएगी। पासिंग थ्रू 5 2 यानी 5 2 को टच करते हैं, एक्स की वैल्यू 5 वाई की, सो पैराबोला इक्वेशन इसमें क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स 5 है 25 a, y कितना हो गया 2, 25/8 इज इक्वल टू बस यहां फिट कर दो 4a, ठीक है जी, पैराबोला फिनिश है। कल करेंगे एलिप्स, ठीक है ना। ठीक है, कौन सा है